हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आपको ज्योति और प्रवीण मुद्दे पर कुछ बताने से पहले एक मिनट और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपकी वजह से आपका अपना रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल है मोनोटाइज हो गया है। आपने कमाल कर दिया मोनोटाइज। जो दोस्त चैनल नहीं बना रखा जिन्होंने, उनको बता दूं मोनो का मतलब है यूट्यूब की तरफ से आज हमारा चैनल है रजिस्टर्ड हो गया है। दोस्तों पिछले 1.5-2 महीने में तो आप लोगों ने कमाल कर दिया है, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। बस आशा व उम्मीद है कि आप अपना साथ व प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। और मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि आपके अपने इस चैनल के ऊपर आपको जो भी बातें होगी बिल्कुल सच के साथ बताऊँगा और दिखाऊँगा, चाहे वो किसानी पर हो, चाहे फैमिली पर हो, चाहे कोई वायरल मुद्दे पर बात हो। ये नहीं है कि कोई भी बात मैं बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर बताऊँगा, बिल्कुल जो है वो हकीकत में रियल के अंदर है वही आपको दिखाऊँ और बताऊँगा। तो दोस्तों दिल से थैंक यू आपका एक बार फिर से। तो अब आते हैं हम ज्योति और प्रवीण मुद्दे पर। दोस्तों ज्योति और प्रवीण का मुद्दा वायरल हुए बहुत दिन हो गए, जैसे लगभग 2.5-3 महीने हो गए होंगे। ये मुद्दा वायरल हुआ था 8 दिसंबर को, अब आप देख लो कितने दिन हो गए। इस मुद्दे पर हरेक वीडियो बनाने लगे थे, कुछ ही लोग बचे थे जो इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाई, बाकी बहुत से चैनल वालों ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाई। चलो वीडियो बनाओ, प्रवीण ने भी कहा है कि वीडियो बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी अपने विचार रखो, जो बातें मैं बताता हूँ या ज्योति ने थोड़ा बहुत बताया, एक बार दो बार आई है वो मीडिया के सामने, उसने जो बताया वो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कुछ लोग अपने व्यूज के लिए गलत टाइटल लिख रहे हैं, गलत थंबनेल लगा रहे हैं, ज्योति की ऐसी ऐसी फ़ोटो लगा रहे हैं कि कोई भी देखने से पहले 100 बार सोचेगा, शर्माएगा। ऐसे ऐसे टाइटल लिख रखे हैं कि आपको मैं अब बता नहीं सकता। इस बारे में प्रवीण ने कहा है या तो वो लोग सुधर जाएँ, ऐसे थंबनेल या ऐसे टाइटल ना लिखें, यदि वो फिर भी नहीं सुधरते हैं तो मैं उन सब पर केस करूँगा। देखो दोस्तों बहन बेटी सबकी एक है, आज ये प्रवीण के साथ हुआ है, वो कहते हैं सबकी पीठ उघाड़ी है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बात और है दोस्तों, किसी के घर परिवार में कोई भी माड़ा पैदा हो सकता है या घर परिवार में माड़ा आ सकता है, तो इसके अंदर कोई भी बोर बढ़ाई नहीं है, कोई भी ताना नहीं है। ये आज प्रवीण के साथ हुआ है, कल हम सब में से किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, तो ऊपर वाले से डरना चाहिए और ऐसे टाइटल या थंबनेल लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ज्योति भी किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है। प्रवीण ज्योति का आपस का मामला है, आपस का मैटर है, आप अपने विचार रख सकते हैं। प्रवीण ने जो कहा है वो आप अपने चैनल पर बता सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं किसी की आप बेइज्जती करोगे, उसके अधनंगे फ़ोटो लगाओगे, टाइटल गलत लिखोगे। प्रवीण ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कई कई वीडियो मैंने ऐसी देखी है जो पाकिस्तान के मुद्दे हैं, परंतु थंबनेल ज्योति के और मेरे लगा रखे हैं, वो भी गलत तरीके से लगा रखे हैं और टाइटल भी गलत तरीके से लिख रखे हैं। तो दोस्तों जो भी भाई ऐसा कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर सोचें। मानते हैं आपका काम है वीडियो बनाना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से वीडियो बनाओगे, गलत तरीके से उनकी फ़ोटो लगाओगे, गलत तरीके से टाइटल लिखोगे। ऐसे ऐसे थंबनेल देखे हैं मैंने कि आदमी खुद शर्मा जाए, जिसका कोई भी ज्योति और प्रवीण से लेना देना नहीं है, उस मुद्दे पर भी इनका थंबनेल लगा रखा है। दोस्तों मैंने आज तक इस मुद्दे के ऊपर जो भी वीडियो बनाई है प्रवीण और ज्योति के, वो एक बार ज्योति सामने आई थी मीडिया के, वो बातें आपको बताई है, बाकी बातें प्रवीण ने जो मीडिया के सामने बताई है, प्रवीण के माँ बाप ने जो मीडिया के सामने बताया है, कुछ लोगों और है जो मीडिया वालों ने जो बताया है, वही बातें मैं आपके सामने सच्चाई के साथ आज तक रखता आया हूँ। आगे भी आपको भरोसा देता हूँ कि जो भी बातें होगी वो बिल्कुल सच और रियल के साथ ही आपको दिखाऊँगा, चाहे वो किसी भी मैटर में आपके सामने हो। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो ऐसा कर रहे हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि किसी की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है। जो बात सच है केवल वही बताएं और वही दिखाने की कोशिश करें। आशा व उम्मीद है कि आगे से
कोई भी प्रवीण को ऐसी वीडियो बनाकर शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आखिर में मैं आपको दोबारा फिर दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इतना साथ दिया और आगे भी आप अपना साथ व प्यार बनाए रखेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ सबको राम राम, नमस्कार।